Good morning, students. Today we shall read about our second poem, which name is Fire and Ice, written by Robert Frost. Fire and Ice का meaning यहाँ पे, वैसे तो fire का meaning आप सभी जानते हो, आग होता है. Ice का meaning भी आप सभी जानते हो कि बर्फ होता है या किसी ठंडी वस्तु का होना. लेकिन यहाँ पर जो इस poem में Robert Frost ने define किया है fire and ice को, ये पोएम एक हाईली सिंबॉलिक पोएम है. और इस पोएम के ज़रिए जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो एक बहुत अच्छा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं आप सभी के बीच में. और बेसिकली जो ये पोएम है ये मेडिटेशन है संसार के अंत को लेकर. यानी कि जैसे बहुत सारे लोग चाहते हैं, यहाँ पर दो ऑप्शन देता है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, एक होता है आग, एक होती है बर्फ. यानी कि इन दोनों में से आप किसको चुनना चाहोगे संसार के अंत के लिए, अगर संसार का अंत होता है तो. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आग का समर्थन करते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बर्फ का समर्थन करते हैं. लेकिन जो कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसने कहा कि मैंने ना लोगों के अंदर ये दोनों चीज़ें देखी हैं. फायर का मतलब क्या होता है यहाँ पर इस पोएम में जो आप पढ़ोगे, फायर का मीनिंग है डिजायर्स जो इंसान के अंदर होती हैं, मतलब इच्छाएं जो जागृत होती हैं. और आइस यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है हेट्रेड को, यानी कि घृणा को, जो मानवता के बीच में विद्यमान है. आइए सबसे पहले हम इस पोएम में वर्ड मीनिंग्स को पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज होल्ड. होल्ड मीन्स एग्री, विच मीन्स मानना, सहमत होना या साथ देना. सेकेंड वन फेवर, टेक साइड ऑफ यानी कि किसी का पक्ष लेना. पेरिस डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट होना. सफाइस विच मीन्स बी सफिशियंट यानी कि उस चीज़ का पर्याप्त होना. और इस पोएम में जैसे कि पहले आपने पोएम पढ़ी है डस्ट ऑफ स्नो, सेम उसी तरह इस पोएम में भी सिंबल्स का यूज़ किया गया है. फर्स्ट जो सिंबल है इसके अंदर वो है फायर. और फायर को यहाँ पर जो मीनिंग यहाँ पर डिफाइन किया गया है सिंबल के रूप में वो बहुत सारे हैं. जैसे ग्रीड, ग्रीड का मतलब क्या होता है, लालच होना इंसान के अंदर. और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, वही विरोध करना या लड़ाई करना. एवराइस का मीनिंग होता है लोभ, यानी किसी चीज़ को प्राप्त करने का आपके अंदर लोभ होना. और फ्यूरी का मतलब क्या होता है, इंसान के अंदर तीव्र क्रोध आना. तो यानी कि जब आप इन सब मीनिंग्स को पढ़ोगे तो वो क्या है, एक तरीके से वासनाएँ हैं इंसान के अंदर आने वाली, जो है इच्छाएँ हैं. और क्रुअल्टी क्या है, निर्दयता. यानी कि निर्दयता का मतलब क्या होता है, मनुष्य का एकदम से गुस्से में हो जाना. फ्यूरी का मतलब होता है अधिक या तीव्र क्रोध आना, मनुष्य का इंसान का एकदम से गुस्से में हो जाना. और इनटॉलरेंस क्या होता है, असहनशीलता. उसका मीनिंग भी क्या है, जब आप एक चीज़ को एक हद तक सहन कर सकते हो तो उसके बाद सहन ना कर पाने की क्षमता आपकी इनटॉलरेंस हो जाती है. इसके बाद आपकी है लस्ट. लस्ट का मीनिंग होता है वासना. यानी कि इस पोएम में इन वर्ड्स को एक तरीके से यूज़ किया गया है एज ए मीनिंग बताने के लिए कि फायर यहाँ पर इन सबको रिप्रेजेंट करता है. सेकेंड सिंबल इज आइस. एंड आइस जो है रिप्रेजेंट करता है इनसेंसिटिविटी, यानी कि लोगों के अंदर असंवेदनशीलता होना, यानी कि लोग संवेदनशील नहीं हैं. अगर उनसे कोई भी बात कह देते हैं तो वो उस बात को या तो मन में लगा लेंगे या अपने अंदर बिठा लेंगे. कोल्डनेस वही होता है जड़त्व होना या किसी चीज़ की उपेक्षा करना. मतलब जो लोग हैं वो बात को अपने दिल में घर कर जाते हैं, किसी बात, किसी के द्वारा कही गई किसी बात को. इनडिफरेंस वही है अंतर करना, यानी कि आपस में बैर साधना. और रिजिडिटी आपका वही होता है सेम कोल्डनेस की तरह, यानी कि एक तरीके से उस चीज़ में कड़ापन आ जाना, कठोरता आ जाना. कड़ापन का मतलब क्या है, किसी ने कोई बात कह दी तो लोगों के अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है, तो उस चीज़ को लेकर वो उस बात को अपने मन में बैठाए रखते हैं जब तक कि उसका बदला ना ले लें. हेट्रेड आपका वही घृणा है. तो फायर एंड आइस को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पर एज ए सिंबल यूज़ किया है दोनों को, लेकिन दोनों का बड़ा डीप मीनिंग है. आइए पढ़ते हैं इस पोएम को. इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो फर्स्ट स्टेंजा है उसको डिफाइन किया है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं संसार के अंदर, वो कहते हैं कि संसार का जो अंत है ना वो आग से होगा, सम से इन आइस. और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ से होगा, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर. अब यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं, फ्रॉम वट, यानी कि जो मेरा हृदय है, जहाँ तक मैंने लोगों को देखा है, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, यानी कि लोगों के अंदर जो इच्छाएँ हैं उनको जो मैंने देखा है और मैंने लोगों को परखा है, उससे मुझे क्या पता लगा है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहता है कि मैं सहमति देता हूँ या मैं उन लोगों के साथ हूँ जो किसके पक्ष में हैं,
आग के पक्ष में है, यानी कि संसार का अंत किससे होना चाहिए? आग से होना चाहिए। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, परंतु जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है यहाँ पर आकर रुक जाते हैं और वो कहते हैं कि यदि संसार का अंत दो बार हो, यानी कि संसार का जो विनाश है अगर हम उसको दो बार करना चाहें, आई थिंक, तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ, अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहते हैं कि संसार के अंत के बारे में, आई नो इनफ ऑफ हेट, यानी कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ घृणा को लेकर, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, यानी कि वो क्या कहते हैं कि इन सब के विनाश के लिए क्या पर्याप्त है? फिर बर्फ है। बर्फ का मतलब क्या है? लोगों के अंदर घृणा का भर जाना। अब आप मान के चलो किसी ने कोई किसी से कोई बात कही, अब उस बात को वो अपने मन में लगा के बैठ गया और उस बात को वो एक दिन, तो वो दिन, एक महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल तक अपने हृदय में ही रखे हुए बैठा है। मतलब क्या है? वो बात उसके दिल में कट गई, एक तरीके से जम गई है। तो इसलिए कभी कहता है कि मेरे हिसाब से जो आइस है वो सबसे बेटर सॉल्यूशन है, इज़ आल्सो ग्रेट, यानी कि वो महान भी है। यानी कि बर्फ क्या है, एक तरीके से महान कैसे है कि जैसे कि इंसान को आग में क्या होगा, एकदम से उसका विनाश हो जाना, समझ रहे हो? अब एकदम से विनाश हो जाएगा तो क्या होगा, उसने जो पाप किए होंगे उनका उसे एहसास नहीं होगा, लेकिन जो बर्फ है वो क्या होगी, आपको धीरे धीरे जकड़ेगी, और जकड़ने के बाद आपने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए होंगे आप उन सबको याद करोगे, और याद करने के बाद एक समय ऐसा आएगा आप जब आप पूरे के पूरे बर्फ में ढक जाओगे, और वह बर्फ धीरे धीरे आपके शरीर में अंदर तक जाती हुई जाएगी और आपको धीरे धीरे मार देगी, एंड वुड सफाइस। और क्या कहते हैं कि जो बर्फ है वो ही पर्याप्त रहेगी, किसके लिए? इन सब विनाश के लिए। अब इसी तरीके से जो कवि है वो डिफाइन करता है किस चीज़ों को लेकर, कि अगर जैसे इन्होंने दो दो व्यूज़ दिए हैं, कवि ने इस पोएम के अंदर दो व्यू दिए हैं, कि जैसे जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो मानते हैं कि जो संसार है उसका अंत किससे हो जाएगा, यानी कि एक बहुत लंबे काल से चली आने वाली शीत ऋतु अगर शुरू हो जाती है, और यदि परमाणु युद्ध छिड़ जाता है, तो क्या होगा, इस पूरे के पूरे ग्रह का विनाश हो जाएगा। और इस तरीके से विनाश होने का मतलब क्या है, जितनी भी इच्छाएँ हैं मनुष्य के अंदर वो सारी समाप्त हो जाएंगी। तो कवि क्या है, वो एक लोगों का ध्यान देना चाहता है कि भाई लोगों के हृदय के अंदर इतना कठोरपन आ गया है, लालच आ गया है, और असंवेदनशीलता आ गई है, और लोगों की उपेक्षा करना आ गया है, विरोध करना आ गया है, तो धीरे धीरे इनको मारने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी, ये खुद ही खुद अपनी ही इच्छाओं में और अपने अंदर जमाई हुई, यानी कि जो घृणा है उसी के द्वारा मर जाएंगे। और जो कवि है वो क्या कहता है कि जो बर्फ क्या है, पहले तो मनुष्य के साथ क्या करेगी? अब कवि ने क्यों कहा है कि भाई जो बर्फ है वो पर्याप्त है, यानी कि बर्फ ही बेटर सॉल्यूशन है, उसने इसलिए कहा है कि जो बर्फ है पहले तो वो मनुष्य के शारीरिक जो रूप है, मतलब जो बाहरी देह है, उसको मारेगी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वह उसको आंतरिक रूप से मारेगी। मतलब जैसे जैसे भाई किसी ने किसी से कोई बात कही, अब बात कहने का मतलब क्या है, उसके दिल में वो बात बैठ गई, अब वो उसका बदला नहीं ले पाए, तो क्या होगा, उस बदले की आग में वह शारीरिक रूप से कमज़ोर होता चला जाएगा, और साथ के साथ ही आत्मिक रूप से भी कमज़ोर होता चला जाएगा। तो यही रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि जो लोग हैं उनके अंदर जो घृणा है वो बहुत ज़्यादा है, और जो वासनाएं हैं या चीज़ों को प्राप्त करने की जो इच्छाएं हैं वो भी बढ़ती हुई जा रही हैं। और मुझे लगता है कि शायद आपको ये पोइम बहुत अच्छी समझ में आई होगी। वही सेम आपका लास्ट पोइम की तरह जो राइट हैंड है उसमें उन्होंने शो कराया हुआ है किन चीज़ों को, सिंबल्स, सॉरी, राइमिंग स्कीम को शो कराया हुआ है। राइमिंग स्कीम आप देखोगे यहाँ पर ए बी ए ए है फर्स्ट स्टैंजा की, सेकंड स्टैंजा में ए बी ए बी ए है। इसके बाद अगर हम गौर करें तो हमारे पास आते हैं राइमिंग वर्ड्स, और राइमिंग वर्ड्स वही होते हैं जो आपके स्टैंजा की जो अंतिम पंक्ति होती है उसमें आपस में मिलने वाले जो शब्द होते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो हैं वो है फायर, डिज़ायर, और ट्वाइस आइस है, और हेट ग्रेट है। तो यही इसके अंदर राइमिंग वर्ड्स हैं। आई होप आपको पोइम बेटर समझ में आई होगी, और आपको जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो पीडीएफ के जरिए भेज दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव ए गुड डे।